हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इंसर्ट एप्लीकेशन में फोटोज से वीडियो कैसे बनाई जाती है। गाइज, आप लोग भी जानना और सीखना चाहते हैं कि फोटोज से वीडियो कैसे बनाई जाती है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। सो गाइज, सबसे पहले आपको इंसर्ट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आप इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिलता है, जैसे कि वीडियो, फोटो, कोलाज। अब आपको क्या करना है, आपको फोटो से वीडियो बनाना है। इसके लिए आपको वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे जितने भी फोटोज गैलरी में हैं वो सारे यहाँ पर दिख रहे हैं। अब आपको यहाँ पर अपना फोटो से वीडियो बनाना है। इसके लिए आपको या तो आप अपना फोटो ले सकते हो या फिर आप किसी और का ले सकते हो, डजेंट मैटर। मैंने यहाँ पे किसी और का फोटो लिया है। अब मैं यहाँ पर अप्रोक्स 10 फोटो को सेलेक्ट कर लूँगी। अब आपको करना क्या है, अब आपको राइट साइड के कॉर्नर में आपको देखेंगे तो आपको टिक का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे जितने भी फोटोज लिए थे वो सारे यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंसर्ट ने जितने भी फीचर्स दे रखा है वो यहाँ पर सारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको नीचे की ओर देखेंगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन कैनवास कर आता है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जिस रेशियो में अपना फोटो को रखना है उस रेशियो में आप यहाँ पर रख सकते हो, या फिर आपको जिस प्लेटफॉर्म में अपलोड करना है उसके बेसिस पे आप रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 1.1 के रेशियो पे रखा है। अब आप यहाँ पर अपना फोटो को जूम भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे 0 पे रखा है। अब आपको करना क्या है, अब आप यहाँ लेफ्ट की ओर देखेंगे तो आपको डबल टिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अप्लाई टू ऑल कर देना है। अब आपके सारे इस फोटो के रेशियो सेम ही हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना फोटो का ड्यूरेशन कम करना है। इसके लिए आपको ड्यूरेशन वाले ऑप्शन पे जाना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना फोटो का ड्यूरेशन 1.7s रखा है। अब आपको फिर से सेम प्रोसेस से लेफ्ट साइड की ओर देखेंगे तो आपको डबल टिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और अप्लाई टू ऑल कर देना है। अब आपके सारे फोटोज के ड्यूरेशन सेम हो जाएंगे। अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, अब आप अपने फोटो के नीचे साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पर ट्रांजिशन चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अपना ट्रांजिशन सेट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया है। अब अपना यहाँ पर ट्रांजिशन का टाइम ज़्यादा और कम दोनों कर सकते हैं। मैंने यहाँ सेट कर लिया है, मैं यहाँ पे फिर से अप्लाई टू ऑल कर देती हूँ। अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखाती हूँ कि कैसे दिख रहे हैं। अब देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे सारे फोटोज में ट्रांजिशन सेट हो चुके हैं और फोटो के ड्यूरेशन भी कम हो चुका है। अब आपको मैं नेक्स्ट प्रोसेस सिखाती हूँ कि आपको करना क्या है। अगर आप अपने फोटोज में म्यूजिक सेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका सेकेंड वाला ऑप्शन म्यूजिक का है, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके थ्रू अपने वीडियो पे आप म्यूजिक सेट कर सकते हो। अब म्यूजिक वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, म्यूजिक, इफेक्ट्स, रिकॉर्ड। अब यहाँ पर आप म्यूजिक या तो अपनी गैलरी से म्यूजिक दे सकते हो या फिर यहाँ पे इफेक्ट्स, या फिर आप रिकॉर्ड, अगर आप या तो आप रिकॉर्ड करके भी आप यहाँ डाल सकते हो। मैं यहाँ पर अपना गैलरी से म्यूजिक ले रही हूँ। तो आप जब माई म्यूजिक में जाओगे तो इंसर्ट ने यहाँ पर पहले ही बहुत सारे
म्यूज़िक को प्रोवाइड कर रखा है, तो मैं यहाँ पर इनका म्यूज़िक नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं अपना माई म्यूज़िक से यूज़ करूँगी। उसके लिए मैं माई म्यूज़िक में जाऊँगी और मैं अपना रिंगटोन दिखाती हूँ आपको बजाकर। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर राइट साइड में टिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर ड्यूरेशन, ट्रांजिशन और म्यूजिक के साथ आपका वीडियो रेडी हो चुका है। अब मैं आपको फिर से प्ले करके दिखाती हूँ कि मेरा वीडियो एक्चुअली में लगता कैसा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर ड्यूरेशन, ट्रांजिशन और म्यूजिक के साथ मेरा फोटोज से वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे सेव करना है। उसके लिए आप राइट साइड में आप देखेंगे तो आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब आपका वीडियो 1 से 100 तक कन्वर्टिंग में लगेगा और आपका वीडियो सेव होकर गैलरी में चला जाएगा। अब आप इसे जहाँ चाहे, आप इसे अब जिस प्लेटफॉर्म में अपलोड करना चाहते हैं उस पर आप अपलोड कर सकते हैं।